देखो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आकृति में दिया हुआ है कि ओपी इज इक्वल टू है, ओपी इज इक्वल टू नहीं, ओपी ओक्यू और ओआर एक लाइन है, ओपी ओक्यू और ओआर एक लाइन है, उस लाइन पे तीन पॉइंट है ए बी और सी। इस प्रकार है कि ए को बी से मिलाया गया है, बी को सी से मिलाया गया और सी को ए से मिलाया गया है और इसके अंदर एक ट्रायंगल बना है एबीसी। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या गिवन है कि बोल रहा है क्वेश्चन कि हम नहीं बोले कि ए बी जो है वह पैरेलल है पी क्यू के, जबकि ए सी जो है वह पैरेलल है किसके, ए सी जो है वह पैरेलल है किसके, टी आर के। तो बोला कि दिखा दीजिए आप ये बात कि बी सी भी क्यू आर के पैरेलल होगा। तो दिखाने से पहले जो दिखा दिया है क्वेश्चन, बता दिया है क्वेश्चन, उससे हम लोग इसको दिखाने की कोशिश करते हैं और हम लोग चलते हैं कहां, ये लाइन के पैरेलल है यानी चलते हम लोग इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आकृति में, तो आकृति में जो गिवन है ये बात गिवन है, आकृति में हमें क्या गिवन है, गिवन है कि ए बी लाइन जो है वह पैरेलल है पी क्यू के और दूसरा बात गिवन है कि ए सी लाइन जो है वह पैरेलल है पी आर के। जबकि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध ये करना है क्या चीज कि बी सी जो है वह पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन नाम का कोई चीज नहीं है, प्रमाण के तौर पे हम लोग चलते हैं, प्रूफ में चलते हैं। देखो ये लाइन के पैरेलल है और ये लाइन किस ट्रायंगल का बात है, किस ट्रायंगल का बात, उस ट्रायंगल चलते हैं यानी कि ट्रायंगल ओपीक्यू में। ट्रायंगल ओपीक्यू में हमें यह बात गिवन है कि ए बी लाइन जो है वह पैरेलल है किसके, पीक्यू के। ए बी लाइन किसके पैरेलल है, पीक्यू के है, तो हम बोल सकते इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या बात बोल सकते हैं हम लोग, तो थेल्स प्रमेय से बोल सकते हैं क्या चीज कि जब ये लाइन के पैरेलल होता था, थेल्स साहब बोले थे कि ये बाई ए, तो बोल सकते हैं कि ओए बाई एपी इज इक्वल टू होगा ओबी बाई पी क्यू के, ओबी बाई बी क्यू के। यह बात आ गया फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक और ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हमें गिवन है कि एसी पैरेलल है किसके, पी आर के, तो हम उस ट्रायंगल में चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग ट्रायंगल ओपीआर में, ओपीआर में क्या गिवन है कि दिया हुआ है कि एसी लाइन जो है वह पैरेलल है किसके, पी आर लाइन की। एसी लाइन किसके पैरेलल है, पी आर के, तो यहाँ भी बोल सकते हैं हम लोग थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बोल सकते हैं क्या बात, तो थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं यहां भी कि ओए बाई एपी, ओए बाई एपी इज इक्वल टू ओसी बाई सी आर के, ओसी बाई सी आर के। इक्वेशन नंबर आ गया सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण हम लोग एक और समीकरण दो से चलते हैं, समीकरण एक और समीकरण दो से, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग समीकरण एक और दो से। देखो ये चीज और ये चीज जब सेम है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो बोल सकते हैं क्या चीज, ओ बी बाई बी क्यू जो होगा वह भी इक्वल होगा ओ सी बाई सी आर के। और देखो ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर यानी विलोम से ये लाइन के पैरेलल होगा, तो बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या बोल सकते हैं कि बी सी लाइन जो होगा वह पैरेलल हो जाएगा क्यू आर लाइन के। यह बात हमें करना था प्रूफ, जो कि हो गया है प्रूफ। चलो इसको कर लो नोट।